नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ बुलेटिन दिन खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन पहुंचे, जिन्हें पुलिस टीम ने शहीद स्मारक में ही बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। मनोज मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ये आदेश वापस नहीं देती है तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिवैल्यूशन की मांग को लेकर गुरुवार को एडम ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नाराज छात्रों ने ब्लॉक में ताला लगा दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम की टीम ने छात्रों को लाठी से फांदते खदेड़ा। 12 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में आज से प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। जयपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीकर और दौसा में बरसात हुई है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी और हीटर से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मदन लाल सरमा ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि तैयारी कीजिए, आगे बहुत वैकेंसी आने वाली जबरदस्त तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराश हाथ नहीं लगेगी, उनकी जो आशा है उनके अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। सीएम मदन लाल सरमा ने कहा कि युवा किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी है उन्हें एक एक करके तरीके से भरा जाएगा। महिलाओं को थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण देने पर शहीद स्मारक पर हुए जोरदार धरने की गूंज कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंची है। ऐसे में सीएम मदन लाल ने युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की। आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे युवाओं से मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्राथमिक शिक्षा का काम है। प्राथमिक शिक्षा में हम देखते हैं कि हमारी माता और बहन जिस तरह से मातृत्व भाव रखकर काम करती है, उससे हमारे छोटे बच्चों को अधिक से लाभ होगा। कांग्रेस लगातार बदनलाल सरकार पर अपनी योजनाओं को बंद करने और उनके नाम बदलने के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते अभी तक बदनलाल सरकार ने किसी बड़ी योजना को बंद नहीं किया था, लेकिन गहलोत सरकार की 4 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। एक छोटी योजना भी बंद कर दी गई है। कई योजनाओं में मिलने वाले लाभ को भी कम कर दिया गया है। वहीं ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस स्कीम को बदलने पर विचार चल रहा है। बैंकर में महिला शिखा अग्रवाल की हत्या के मामले में गुरुवार को निम्न अग्रवाल सेवा समिति ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने हत्या में शामिल अन्य लोगों को रिफर करने की मांग उठाई है। अग्रवाल समाज के लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए, जहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे। घटना में लिप्त अन्य आरोपियों को रिफर करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस भारत के संविधान को खत्म करने का झूठा प्रचार कर रही है। जनता को भी अब इसका पता चल चुका है। कंफ्यूजन क्रिएट करना और भाग जाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। यह बात अर्जुन राम मेघवाल ने सीकर के जैन स्कूल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान को खत्म करने का कांग्रेस का सिर्फ झूठा प्रचार था। संविधान को अगर खत्म करने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने इमरजेंसी में किया। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने बुधवार देर रात मैसर श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल को गिरफ्तार किया है। देर रात मित्तल को ईडी कोर्ट के जज के घर पेश किया गया था। यहां से महेश मित्तल को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। मित्तल एसीबी और ईडी की रडार पर काफी समय से था, लेकिन बार बार फरार हो रहा था। दोनों ही एजेंसियों ने मित्तल को 10 से अधिक बार समान भेजे थे। चूरू से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद राहुल कसवा आज हनुमानगढ़ जिले के नवर पहुंचे, जहां नवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल कसवा का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से किया। स्वागत समारोह के बाद सांसद राहुल कसवा और कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम नोहर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान राहुल कसवा ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के नोहर और भादरा में बिजली पानी की काफी समस्या है और नागरिक परेशान है। ऐसे में अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च स्तर पर अधिकारी और मंत्री से मिलेंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल इसी तरह की अन्य बड़ी खबरों के साथ होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।